कितने किलोमीटर आया था वो मसूरी से? मसूरी से क्या? धनौल्टी मैंने पढ़ा 305 किलोमीटर है। अच्छा वो 35 किलोमीटर है मसूरी से आगे है ना। हाँ गाइस, अभी बज गए हैं सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल धनौल्टी। मैं तो देखो उठ गया हूँ क्योंकि मुझे करनी है ड्राइव, लेकिन अब इन मैडम के नखरे नहीं खत्म हो रहे। ये देखो ये सोई हुई है, उठ जाओ। नहीं उठो, अभी पहले मैंने कहा उठ जा तो कह रही 10 मिनट में उठूंगी, 10 मिनट देते, अभी 5 मिनट देते, फिर मैंने कहा उठ जा यार, पहले पानी गर्म करके ला फिर उठूंगी। सो आज हमारी एनिवर्सरी और हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी। ये हमारा आज का प्रोग्राम, पैकिंग पूरी डन हो चुकी है, सारा सामान हमने गाड़ी में लगा दिया है, तो अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल निकलते हैं, बाकी देखते हैं आगे रास्ते में धनौल्टी जाकर क्या है क्या नहीं वहाँ पर। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में हम लोगों के साथ, बेफिक्र इंजीनियर के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि आप लोग वहाँ पे आप बहुत जरूरी हैं हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद। ये सर मारे हैं जो कि सवेरे सवेरे गंदा थोपड़ा दिखा दे तूने मेरा ऐसे ही है ना, सुबह सुबह तो मेरा क्यूट फेस होता है फिर घुटा हुआ है पानी दे दिया, वही बात है, 4 कदम पे तुम तो खड़े होकर नहीं लेना, ठा ही मैंने यार टोक लग जाएगी, मैं पानी पी रही हूं। क्या कर रहे हो? चाय बन रही है नवदीप शोभन जी के लिए। चाय बनने के बाद, चाय पीने के बाद, चावल बनने के बाद, राजमा मिक्स होने के बाद हम सब खाएंगे धनौल्टी। क्यों बोर कर रही है लोगों ने? तड़के तड़के वो कैमरा टाके गड़ हो रहे फिर आप लोग, आशा करते हैं आप सब सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम भी बहुत स्वस्थ है, इसलिए हमने सोचा कि स्वस्थ है तो क्यों ना इस स्वस्थ शरीर का फायदा उठाया जाए और पहाड़ों में घूमने जाया जाए। यह हमारा पहला ट्रिप है जिसमें हम अपने खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, और ये बात हमने अभी तक अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी, लेकिन ब्लॉग आएगा तो उन्हें पता चल ही जाना है। हमने उन्हें बोला था कि नहीं हम लोग ट्रेन से जाएंगे, फिर हमने एकदम से ये प्लान बनाया कि अब हम बोलेंगे हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली, इसलिए हमें मजबूरन गाड़ी से जाना पड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं धनौल्टी, और अभी हम ना मतलब बीच में कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से लगा है प्रेशर नेचुरल कॉल का। मसूरी से क्या? धनौल्टी मैंने पढ़ा 305 किलोमीटर है। अच्छा वो 35 किलोमीटर है मसूरी से आगे है ना। हाँ ठीक है।
सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और आज हम हमारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का दिन है 9 फरवरी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है और आज हम आए हैं पहाड़ों में। तो आज हम आए हैं धनौल्टी और बहुत टाइम बाद हमने ये प्लान बनाया है। लास्ट ट्रिप था हमारा वैष्णो देवी, अगर आप लोगों ने वो ट्रिप नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं धनौल्टी, ये हमारा 2023 का पहला ट्रिप है, हमारी एनिवर्सरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीधा मिलते हैं आपको धनौल्टी में, तब तक के लिए बने रहे हमारे सफ़र में। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बेफिक्र इंजीनियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं एक गांव है जिसका नाम है चंबा, और अभी प्रिया गई है बाहर थोड़ा जूस वगैरह लेने क्योंकि हमें थोड़ी बहुत भूख लगी थी। और यहां से धनौल्टी अभी जो टाइम हो रहा है एक्चुअली 11:02 हो रहे हैं, तो हमने 3-4 होल्ट लिए आराम आराम से चाय चाय पीने के लिए। तो तकरीबन हम चले थे 5:11 में और 6 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए चंबा। अभी हमें लगेगा मोटा मोटा आधा पौना घंटा जो हम पहुँच जाएंगे अपने होटल धनौल्टी और आपको दिखाएंगे धनौल्टी का। अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ एक चौराहे पे जहाँ क्योंकि प्रिया गई है अभी जूस लेने। यहाँ से लेफ्ट साइड का जो रास्ता जाता है वो आपका इधर से जाएगा। ब्रेक मारना, बैठ जाना, ब्रेक तो मार रखी है, पागल है क्या, टांग तोड़ेगा। चल पड़ी ना गाड़ी, चले धनौल्टी। इधर से अगर हम जाएंगे तो हम जाम में फंसेंगे। हाँ। तो अभी मैंने बात की है तो धनौल्टी के लिए हम पीछे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, पीछे वाले से चलो। पहले रूम देख लेते हैं फिर। अब हम पहुंच गए हैं धनौल्टी और हमें लगे मोटा मोटा 6-7 घंटे जिसमें हमने कहीं पे भी होल्ट नहीं लिया, कुछ भी इतना खाना था, दो जगह लिया था। बस थोड़ा बहुत चाय पानी के लिए और एटीएम ढूंढने के लिए लिया एटीएम था। हाँ, और उसके बाद अभी हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में। इस रिजॉर्ट का नाम है सनराइज रिजॉर्ट। आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी और आप कॉल करके भी बुक कर सकते हो। अगर रूम्स अवेलेबल है तो ये आपको वैसे बुकिंग पे भी दे सकते हैं। और यहाँ पे एक ट्रैवल ट्रिक है, ट्रिक नहीं ट्रैवल टिप है कि आप जो भी मेक माई ट्रिप या गो आई वीवो या कहीं से भी आप बुकिंग करते हैं
तो आप एक बार जिस भी होटल को बुक कर रहे हैं या रिजॉर्ट को बुक कर रहे हैं, जो भी आपको होटल या रिजॉर्ट पसंद आए बेसिकली, उसका एक बार आप सारी फोटोज वीडियोस चेक कर लीजिए, वो होटल है कहाँ पे, कैसी है, कैसा है। उसके बाद आप लोग उस होटल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चेक कीजिए, तो आपको क्या पता वो सस्ता मिल जाए। कभी कभी क्या होता है ना, ऑफ सीजन में भी, कभी कभी ऑन सीजन में भी वो सस्ता मिल जाता है। बिकॉज जैसे हम लोग वीक डेज पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि वीकेंड पे रश हो जाएगा। तो इसीलिए वो एक ट्रैवल टिप आप लोगों के लिए, हमेशा मेक माई ट्रिप के बाद हम फोन करके चेक कीजिए कि आपको होटल किस रेंज में। हाँ, वो तो आपको शायद कुछ लेस भी मिल जाए। कई लोग टैक्स वगैरह नहीं लेते, कैश पेमेंट करेंगे तो आपको शायद उसमें भी बेनिफिट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैवल सस्ता और अच्छा बना सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे रूम में और आपको दिखाते हैं हमारा रूम कैसा है, रूम का व्यू क्या है, उसके चार्जेस क्या है, और हम धनौल्टी में इतने दिन करने क्या वाले और आए क्यों है। चले चलो फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने रूम में। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से बैक का व्यू, जो है यहाँ पूरे होटल का व्यू है। आपको पूरा होटल का एक बार पूरा भ्रमण करवाया जाएगा, उसके बाद हम धनौल्टी घूमेंगे। 3-4 दिन आप लोगों के साथ बने रहेंगे, तो तब तक के लिए हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते रहें, और आप लोगों का प्यार भी बरसाते रहें, क्योंकि हम लोगों का आपके प्यार भी बहुत। और ये अभी मोटू अब चुप नहीं होएगा, तो इसे चुप करते हुए हम चलते हैं सीधा होटल। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के रूम है, एक में आपको विद बालकनी, एक विदाउट बालकनी है। विद बालकनी आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ सकता है, विदाउट बालकनी आपको उतना ही वो मिलेगा। रूम साइज सेम है और सब कुछ, बाकी चीज़ें सेम है, बस बालकनी का डिफरेंस है, और व्यू भी ऑलमोस्ट हर रूम से सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए ये रूम्स हैं, तो जो हमें रूम मिला है वो है 104, और ये उसके सामने का नज़ारा है, और ये है पहाड़ जिसको दिल्ली वाले तरसते हैं। और वो है एक इंडियन पति जिसकी हालत किसी मजदूर से कम नहीं है। रूम की चाबी दे दो प्लीज। क्या है रूम की चाबी? आपने ताला लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया। मैंने लगाया था। हाँ, मैंने ताला नहीं लगाया था, तूने मेरे में डाली होगी। नहीं सीरियसली, मैंने ताला नहीं लगाया था, लास्ट में तू आया था ना, तुमने लगाया था लॉक। देखो ये होते इंडियन पति, हालत मेरी थी नहीं, बना दी है। नो नो नो, ओ सॉरी सॉरी, इतनी तो एक्टिंग में मत मार। ये है रूम 2, ये हमारा रूम, और रूम में अंदर आते ही सबसे पहले है वॉशरूम। वॉशरूम भी ठीक है, स्पेस भी अच्छा है, गीजर भी लगा हुआ है, बाकी नहाएंगे या नहीं नहाएंगे वो हमारी मर्जी। तो वॉशरूम के बाद ये हमारा रूम, स्पेस भी ओके है, यहाँ पे बालकनी है, सारे होटल ना ऐसे ही है। मैंने कहा कैसे, कह रहे अपना ऑटो ना यही सड़क पे मिलेगा। इसने कहा अपना ना होटल अभी आने वाला है, 20 मिनट और लगेंगे, बहुत टाइम है। मैं कहा नहीं नहीं, अरे 5 मिनट में अपना ऑटो आ जाएगा। ऑटो आ जाएगा भाई साहब, ऐसे ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं ना भाई साहब, ये बालकनी होगी। नहीं, नहीं। होटल को ऑटो बना दिया। आजा मेरी सवारी, आजा आगे बढ़ रही अलमीरा, और ये टीवी, यहाँ पे जूस हेल्दी ड्रिंक चल रही है, और यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है, और भी क्रिस्टल क्लियर चाहिए, तो ये बालकनी से रूम में व्यू ऐसा दिखता है। तो हम एक्स्ट्रा पॉलिथीन लाए थे और नवदीप चौकन को काम नहीं मिल रहा था, वो बोल रहा था यार मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो देखो इसने क्या किया, मेरे गले मड़े माड़ी गए। तो जो ये होटल का प्राइस है, हमें इस रूम का प्राइस पड़ा है 2200 पर डे, और अभी हमने 3 डेज का बुक किया, तो ये टोटल 6800 हो गया है। हाँ 6800, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप मैनेज कर लेना, वैसे मैंने पर डे बता दिया, तो 3 डेज का आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना। और उसके बाद खाना वगैरह सब अलग है, बुफे सिस्टम वगैरह नहीं है, आप ले सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं,
और मेक माई ट्रिप पे हमें ये 2500 समथिंग था और एक्सक्लूसिव टैक्स, यहाँ पे हमें इंक्लूसिव टैक्स एंड ऑल सब कुछ पड़ा। तो ये एक ट्रैवल ट्रिप आप अपने साथ फॉलो कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और हमारी वीडियो को सेव कर सकते हैं इस ट्रैवल ट्रिप के लिए और अपना पैसा बचा सकते हैं। और ऐसे ही हमारी ट्रिप में आप बने रहिए। अभी हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हैं इन वादियों में, इन वादियों का मज़ा लेते हैं और फिर कल से अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये हमें ट्रिप ना ज़्यादा घूमना नहीं है, हमें ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी है, हमारा प्लान है कि हम बिल्कुल शांति से घूमें। तो बने रहिए, देखते हैं बेफिक्र इंजीनियर्स अपनी जिंदगी में शांति कैसे बना के रखते हैं। हाँ, एक ही बार राउंड होता है, फिलहाल तो मैं इसको बता रहा हूँ कि कितने राउंड होते हैं हमारे। तो ये है हमारा डे वन, जो हम शूट कर रहे हैं 9 फरवरी को। हल्की हल्की ना मतलब स्नो की बारिश हो रही है, मतलब प्रॉपर स्नो नहीं है बट बारिश हो रही है। और आज का दिन हमने ना रेस्ट करने का दिन रखा था, तो जब से हम आए आराम से पहले हमने रिलैक्स किया, खाया पिया, जूस पिया, चाय पी, और थोड़ा सा हम इस ट्रिप को हेल्दी ट्रिप भी बनाना चाहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही लोकल को एक्सप्लोर करने, आसपास की चीज़ें घूमने पहाड़ों में, और जैसे ही मतलब कुछ मिलता है तो हम आपको दिखाएंगे। और जब तक कुछ नहीं मिलता आप हमें देखते रहिए ऐसे ही। क्यों ना दीप चौकन, सॉरी एक्चुअली ना कैमरामैन यहाँ से स्किड कर गया, एक्चुअली वो हवा में उड़ के ना प्रो शॉट लेना चाहता था और ये पॉसिबल हो नहीं पाया। तो आइए हमारे साथ घूम लीजिए लोकल डोनाल्टी कैसा है। बस तो जाऊंगी, पूरा छोड़ जूते पे नहीं, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी इतने 4-5 दिन से ज्यादा। क्यों? मेरी जरूरत है, मेरी इच्छाएं, तो उस हिसाब से डल जाएगी। कांशाएं क्या है, मतलब पूरी नहीं हो सकती। क्या है? चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, पूरा बढ़िया मिला है, आप अपना ये खाइए। या देसी पहाड़ों से ही तोड़ूंगी, पहाड़ों का ही बनाऊंगी। हां और तू मेरे को खाते में पैसे भिजवाता रही हो फिर है? ठीक है, मैं इधर बसी रहूंगी, यहाँ तो कम में भी गुजारा हो जाएगा, 15,000 भेज देगा वो मिनट इधर। हाँ फिर, और साथ में मेरा कुरियर करा दियो सारा राशन, सारा राशन, पिज्जा माइक्रोवेव में तत्ता कर करके। चलो फिर आज का हमारा मिशन यही रहेगा, किराए के लिए घर ढूंढना पहाड़ों में। तो अभी रास्ते में देखो हमने क्या एक्सप्लोर किया है, एक है व्यू पॉइंट, एक है कलवाना तेगना, एक है इको पार्क और एक पता नहीं क्या है। ये है नवदीप शोकन का दोस्त, दोनों दोस्त एक जैसे, एक काला एक लाल, क्यों मोटे? आई थिंक सो, तो मेरे को लग रहा है यही होगा इको पार्क। वेलकम टू डोनाल्टी। तो दोस्तों हमारा यहाँ का ट्रिप पे आने का मेन मकसद यही था कि हम अपनी लाइफ, मकसद कुछ नहीं था, हमारा मकसद यही था कि हम इस ट्रिप को थोड़ा हेल्दी खाना, हेल्दी रहना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी यहाँ से शुरू करें। हाँ। इसलिए हम इस ट्रिप को हेल्दी ही रखना चाहते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, पहुँच गए हैं, वेलकम टू डोनाल्टी। तो यहाँ पे हम एक दो फोटो ले लेते अपनी, चलो
दोस्त बन गया है हमारे साथ ही, तब से घूमे जा रहा है, घूमे मत कर कुत्ते के हाथ लगेंगे, तो कुत्ते के तो हाथ ही लगेंगे और नहीं लाने फिर तो यही हाथ मेरे मुंह पे लगाएगा पैर स्लिप हो जाता अभी सही है ना गिर जाती तीसरी दूसरी वो आ जाती क्या तेरे दूसरी एक तो मसाई होगी तेरे दूसरी और आएगी है फिर जैसे वो होता है ना कि जन्मदिन पे हुई मौत ऐसे होगा एनिवर्सरी पे पति ने दिया पत्नी को धक्का खाई से गिरी नीचे ऐसे नहीं आएगा हाँ धनोल्टी की पहाड़ियों से गिरी नीचे ये तो हमारा ना दोस्त बन गया हम जहाँ भी जा रहे हैं तब से हमारे साथ ही आ रहा है ये एक तरफ वाली कर रहा है और चुपचाप बैठ जा रहा है अब देखो दोस्तों अब हम ना चलेंगे उठ के ये भी चलेगा आज हम मोटे दिखाते हैं देखो हम चल पड़े वो देखो वो देखो देखो वो भी आ गया हेलो शेरू शेरू कालू काले बंदर देखा कैसे आ गया तो हमने धनोल्टी में तो बना लिया है अपने एक नया दोस्त दोस्त वो रहा ये दोस्त ये देखती है सीरियल गड्डी आ गई देखो ये भी कैसे आ गया दौड़ शेरू शु शु शेरू शु शु ये मेरी बात मानता है शेरू शु शेरू शु 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 देख रहा है कैसे मानता है मेरी बात आदमी होगा मेल और वो भी पति हो रहा है वर्कआउट शु शेरू शु शु पार्ट और तू कर रही है तेरे साथ नहीं भागी पोटी आई तो सूसू कर रही है क्या कर रहा है पोटी नहीं कर रहा सूंघ रहा जगह अभी देख ले और तेरे कैप्चर करनी है उसकी पोटी भी यस तो देखिए दोस्तों कैसे आती है इनको पोटी नहीं आई उसको पोटी चलो आपको पार्ले जी देंगे चलो चलो हाँ सूसू आए थे इसको फिलहाल हम लोग आए हैं ऊपर क्योंकि शेरू को पीना था पानी प्यास लगी थी तो आ गए हैं ऊपर अभी हम लोग वापस जाएंगे अपने होटल में क्योंकि वापस होटल क्यों जाना हमें थक गई है मैडम थक गई है इसलिए हमें होटल वापस जाना है और कोई रीजन नहीं है तो फिलहाल हम लोग चलते हैं हमारे होटल वापस मैं ऊपर चढ़ा था क्योंकि मैं ऊपर देखना चाह रहा था यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे है तो जहाँ तक पहाड़ों की बात की जाए ये देखिए यहाँ एक पाइप लगी है पाइप के ऊपर इन्होंने हल्का सा जुगाड़ कर रखा है इसके ऊपर एक जैक में आ रखा है जो पानी आ रहा है पानी कहाँ से आ रहा है पीछे से पीछे क्या जुगाड़ है पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक नाली है तो वो ऊपर से जो पाइप है वहाँ पर जो पाइप है वो ऊपर बात तालाब सा बना हुआ उस तालाब में से वो पानी होते हुए यहाँ से और इसके अंडरग्राउंड पाइप इन्होंने दबा रखी है जो पाइप आ रही है यहाँ पे और ये नीचे पानी जा रहा है और पूरा ऐसे पानी की व्यवस्था कर रखे है यहाँ पर तो जहाँ तक पहाड़ों की बात की जाए पानी की बात की जाए तो पहाड़ों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और ठीक है हमें लगता है कि पहाड़ों में नदियाँ हैं पहाड़ हैं ये है वो है यहाँ पानी की समस्या है बट यार पीने के पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे तो फिलहाल मैं तो काड़ू को लेके जा रहा हूँ यहाँ से और एक ये हमारे साथ चुड़ैल भी आई थी आ जा भाई काड़ू कम ऑन काड़ू ये दो लकड़ियां लेके चलते हैं उसको कहेंगे हमारा पर्सनल बॉनफायर चलते वैसे करवा दूंगा मैं 200 रुपए देके आ जा जुगाड़ करवा दे इतने नेट टेंशन लेके चलो चलो पहला डॉगी जो मेरा दोस्त बना तो इसको ले चले दिल्ली नहीं क्यों ये इसकी जगह है ये हमें जब भी धनोल्टी आएंगे यहीं मिलेगा लेकिन शेरू तुझे इतना सुसु आ क्यों रहा है किधर सुसु करेगा सबसे अच्छी बात है ये भूख नहीं रहा है ना भूख नहीं कर रहा एक्चुअली ना कहते हैं ना पहाड़ों में ना चुड़ैल और भूतनियों का वास होता है ठीक है तो इसको ये कम लग रही है तो भूख नहीं रहा क्यों प्रिया है ना चल शेरू चल पार्ले जी खाएंगे शेरू कालू दूर नदी के कालू दूर दो कालू और ब्रेकफास्ट इवनिंग स्नैक्स का
बड़ा का लाल कालू और एक हाई कालू पैसे ये खाने दे और थोड़ा तोड़ के दे के ऐसे खा लेगा। कैसे कालू कुछ और तो नहीं लेना तुम्हें? हाँ लेना दिलबाग पान मसाला तंबाकू गुटखा हाँ सुपारी यूपी से। हाँ भैया ऐसे ही खाना चलो उठा लो। कालू ने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट। ये अपना देख लो ये अपना वो दिखा रहे पर्स। क्या क्या कालू हो गया आपका इवनिंग स्नैक्स डन? डिनर करना है आप आपने चले। कालू इज वेटिंग फॉर मोर। कालू को भूख लगी थी। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहीं पर हमारा खत्म होता है पहला दिन। आपको मिलेंगे हम अगले दिन अगले व्लॉग में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। अब यहाँ से यहाँ जाने उधर मुड़ जाने तुम बताओ सांस चढ़ के Flying Beast, Signature Chef.